लगातार बारिश और मैथन व पंचेत डैम से पानी छोड़े जाने के कारण दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दामोदर नदी का जलस्तर उफान पर है, ऐसे में पुलिस और प्रशासन के तरफ से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। दरअसल सोमवार को रानीगंज थाना और बल्लभपुर फाड़ी की पुलिस ने चेतावनी जारी की। पुलिस ने दामोदर नदी और इसके आसपास के इलाकों में माइकिंग कर लोगों से अनुरोध किया कि कोई भी दामोदर नदी के अंदर या इसके आसपास न जाए। इस दिन पुलिस ने रानीगंज के मेजिया शमशान घाट और बल्लभपुर इलाके में माइकिंग कर चेतावनी जारी की। रानीगंज थाने की पुलिस ने नदी में मछली पकड़ने अथवा स्नान नहीं करने की हिदायत दी है। यहाँ बता देना जरूरी है कि सोमवार को ही मैथन और पंचेत डैम से लगभग 49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पिछले दो दिनों से मैथन और पंचेत डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और इसका नतीजा यह हुआ है कि दामोदर नदी के जल स्तर में भारी वृद्धि हुई है। इसलिए पुलिस ने माइकिंग कर चेतावनी दी है कि खतरे के निशान पर बह रही दामोदर नदी के आसपास के लोग सावधान रहें। दूसरी ओर दामोदर नदी में नहीं उतरने का भी आदेश जारी किया गया। एहतियात के तौर पर पुलिस दामोदर नदी के तटवर्ती इलाकों की निगरानी कर रही है। पुलिस द्वारा लगातार इन इलाकों में गश्त लगाने के साथ ही पूरी परिस्थिति पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर। कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेंपल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961 7001804855।